बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी फिल्म और एक्टिंग के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ और अपने लाइफस्टाइल के लिए भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। खास तौर पर अपने घर, बंगला, गाड़ी जैसी चीजों के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं अक्षय। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के इस खिलाड़ी के पास एक नहीं बल्कि कई बंगले हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं अक्षय कुमार के आलिशान बंगले के बारे में, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार एक बेहद ही लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं। उनके फैंस को ये बात काफी अच्छे से मालूम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय और ट्विंकल जिस घर में रहते हैं वो किसी आलीशान महल से कम नहीं है, जिसे उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अपने हाथों से सजाया हुआ है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार के इस घर में वो तमाम सुविधाएं देखी जा सकती हैं जो एक स्टार के घर में होनी चाहिए। इसके साथ ही इस बंगले के इंटीरियर को खुद ट्विंकल खन्ना ने डिजाइन किया। दरअसल ट्विंकल अपने घर को उन चीजों से सजाने में विश्वास रखती हैं जो कि कुछ ना कुछ खूबसूरत कहानियां बयां करते हों। अक्षय और ट्विंकल का ये आलिशान घर अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। उनका ये आलिशान डुप्लेक्स जुहू बीच के सामने बना है। बंगले से समंदर का खूबसूरत नजारा बंगले की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, होम थिएटर और अक्षय कुमार का क्लोजेट उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। इसके साथ ही उनके इस बंगले में एक स्पेशल पॉन्ड है जिसके ऊपर करीब 13 हैंगिंग लाइट लगी हुई हैं। इसके अलावा घर की एक दीवार पर पूरी फैमिली के नए पुराने फोटोज लगे हैं। वहीं एक्ट्रेस ट्विंकल को गार्डनिंग का शौक है। उन्होंने अपने गार्डन में कई वैरायटी के फूल और पेड़ लगा रखे हैं। वो ही पूरे गार्डन की देखभाल भी करती हैं। इस आलीशान घर में अक्षय पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चे आरफ और नितारा के साथ रहते हैं। और बता दें कि अक्षय ने इस बंगले को करीब 80 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब बात करें अक्षय की फिल्मों की, तो वो करीब 7 फिल्मों पे काम कर रहे हैं जो 2021 से 2022 में रिलीज होंगी। इनमें से कुछ फिल्में तो रिलीज के लिए तैयार भी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी, बेल बॉटम, अतरंगी रे, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन और राम सेतु पाइपलाइन में है। तो अक्षय के इस बंगले में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। गुड बाय।